देश के समाचार में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम अवधेश कुमार यादव, मैं धनंजय सिंह को चाहता हूं और धनंजय सिंह को ही जिताऊंगा। इस बार ऐसा क्यों है धनंजय सिंह को आप जिताने? और भी बहुत प्रत्याशी हैं, कोई किसी काम का नहीं है, जीतने के बाद यहां क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ता। और धनंजय सिंह एक ऐसे प्रत्याशी हैं कि वो हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में काम करते हैं, उनके जैसा कर्मठ प्रत्याशी कोई नहीं। आप धनंजय सिंह को कितने सालों से जानते हैं? मैं उनको बचपन से जानता हूँ। क्षेत्र में कुछ कार्य किए हैं जैसे? बहुत कार्य किए हैं, बहुत लड़कियों की शादी कराए हैं, बहुत गरीबों को आवास दिलाए हैं, बहुत गरीबों को नल लगवाए हैं, नाली बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, बाकी यहाँ और कोई नहीं कोई काम किया है। हमारे सादात रजनीश सिंह सादात बिंदुली, कम से कम हमारे गांव सादात बिंदुली 500 नल वो लगवा चुके हैं, और अब कितना लगवाएंगे इसके बाद ईश्वर जाने। लेकिन रही बात जहाँ जहाँ रोड नहीं था, चक्रोड बनवा के हर घर को संपर्क मार्ग दे दिए हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा है कि जिसके यहाँ न पहुँचा हो, और शादी ब्याह में तो उनसे जैसा कोई है ही नहीं। 10 साल से वो सरकार में नहीं है तो भी कैसे कार्य कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं, आप देखिए, कहीं देखिए, आप किसी के दरवाजे पर जाना चाहिए, अगर गाड़ी अगर चार चक्का नहीं जाती हो तो बोलिए आप। इसमें धनंजय सिंह का कितना हाथ है? पूरा वगैरह एकदम वही छोड़ा, और कोई नेता आज तक जीवन हुआ नहीं। मैं 60 साल की उम्र हो गई मेरी है, मैं भाजपा से संपर्क हूँ, लेकिन आज तक उनसे बढ़िया कोई नेता मुझे दिखाई ही नहीं पड़ा कि उनसे अच्छा कोई नेता हुआ हो। भाजपा में एसी कल्चर वाले हैं, सपा में हल्ला गुल्ला और आतंकवादी हैं, कांग्रेस में रह ही नहीं गया, उनका वजूद ही नहीं रह गया, मात्र यही धनंजय ये कैसे बचे हैं कि मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में, कि जिनके पर विश्वास किया जा सकता है कि हमारे लिए कुछ करेंगे। और करेंगे नहीं, कर रहे हैं, करेंगे भविष्य है, वर्तमान में कर चुके हैं, उससे ज़्यादा हम सबको उनकी आवश्यकता भी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं सब उनको जो है 25,000 का इनामी भी बता रहे थे जी, हाँ, जी हाँ। आप देख रहे हैं बहुत हल्ला हुआ। अच्छा हाँ। ये जमीनी स्तर में क्या है हकीकत? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। आप सिर्फ मल्हनी विधानसभा क्षेत्र, हम नहीं जानते कि ये गोवा में क्या कर रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं, इसको हम नहीं जानते। कोई ये कह दे कि मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में किसी को हाथ लगाए हों या किसी को रेते बे बोले हों, बड़ा है पैर छूते हैं, छोटा है आशीर्वाद देते हैं, इससे बड़ा नेता और कोई हो नहीं सकता। जमीनी नेता है कि खाली ये अफवाह है कि हकीकत है? हकीकत की बात करें, जनसंघ पैदा हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ, हमारे पिताजी जनसंघ में थे, हम भाजपा में आए, हमारे पिताजी मर गए, कोई नेता नहीं आया, लेकिन ये हमारे दरवाजे पाए कि फला सिंह मर गए हैं, दरवाजे पाए तिरही में आए, अब उसके बाद शादी ब्याह में भी आते हैं बिना निमंत्रण के। निमंत्रण मैं नहीं देता उनको, क्योंकि मैं भाजपा संबंधित हूँ, निमंत्रण कभी नहीं दिया, वो जो है आए हमारे दरवाजे पर। अब इससे बढ़िया जमीनी नेता कौन है भाई, और कोई हो सकता है तो बताइए आप। मुन्ना चौहान में सादात बिंदुली का निवासी हूँ, और धनंजय सिंह जैसा यहाँ कोई नेता ही नहीं है, और ऐसे नेता को तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और मेरा बस चले तो मुख्यमंत्री बना भी दूँ। अच्छा ये बताइए, 2 साल से लगभग कुछ कम वोटों से हार रहे हैं, इसका क्या कारण है, आप कुछ बता सकते हैं कि क्या रीजन हो जाता है? इसका कारण देखिए, यहाँ थोड़ा सा क्या है, जातिगत राजनीति चलती है, लेकिन इस बार वह नहीं चलेगा, इस बार जात की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, इस बार सभी लोग एक तरफ से सब धनंजय सिंह के साथ हैं। इसका उत्तर मैं दे दूँ क्या? देखिए, भाजपा कुछ वोट है, सपा कुछ वोट है, और बसपा कुछ वोट है, ये पार्टी बेसिस वोट होता है, वही पार्टी बेसिस वोट जो है 4,000-5,000 से हार रहे हैं, वही पार्टी कोट इनको नहीं मिल पाता, क्योंकि जो पार्टी से लगे हुए हैं वो पार्टी छोड़ नहीं पाते, बस यही कारण है, वो कोई कारण नहीं है, और इनसे जो बढ़िया नेता तो कोई है ही नहीं। आजकल देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो नव युवक हैं वो धनंजय सिंह को अपना आदर्श भी मानते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आदर्श मानते हैं, नव युवक हैं, खिलाड़ी इनसे बढ़िया कोई नहीं है,
इनसे बढ़िया मेहनती कोई नहीं है, इनसे चाहे फरसा चलवा लो चाहे जो हो क्रिकेट बैट खिलवा लो। अभी वो आप देख रहे हैं क्रिकेट बैट खेलते हुए बहुत वीडियो वायरल हो रहा है, सब इसका बहुत विरोध किए हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में सपा जो है बोली है कि और अपराधी टहल रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला, इनको जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं इनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर ये इतने बड़े अपराधी हैं तो इनको क्यों नहीं कोर्ट जो है फांसी या वो इनकाउंटर क्यों नहीं कर देती? अगर अपराधी हैं तो इनको इनकाउंटर कर दे सरकार, योगी सरकार कर दे। अगर अपराधी होते तब ना, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उनका कोई अपराधी का पृष्ठभूमि है ही नहीं। मल्हनी क्षेत्र में आप जैसे बता रहे हैं जमीनी, आप लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो इनका कोई भी अपराध से कोई लिंक नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं किए, इसके बारे में आप सत्यता बता रहे हैं? बिल्कुल एकदम, किसी को रेते बे नहीं बोले आज तक, सबका पैर छुए, सबको आशीर्वाद दिए। उत्तम भाषा हो। मैं आपको आज की ताजी बात बताता हूँ। मैं एक लड़की को लेके गया था, 13 साल की बच्ची है, उसको नाक में से मांस बढ़ करके गले तक आ गई है, उसका कोई सहयोग करने वाला नहीं है, असहाय है, और उसका बाप कुछ नहीं करता है, एक दो गाय पाल करके और अपना घर का गुजारा करता है। आज सांसद जी के यहाँ लेके गया था, सांसद जी ने कहा उसका ऑपरेशन मैं कराऊंगा, जो खर्चा आएगा मैं दूंगा, आप ले जा करके BHU उसको एडमिट कराइए। उन्होंने लिख करके दे दिया, उसको मंगलवार को हम BHU लेके जा रहे हैं एडमिट कराने। आपको साथ जानकारी सिर्फ इतना नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि इसका ऑपरेशन करवाना है, गरीब है। सांसद जी ने तुरंत कहा कि तुरंत इसको अभी लिखवा करके और तुरंत इसको भेजिए। इस तरह की जानकारी नहीं होगी, इस क्षेत्र में जितनी भी शादियां पड़ती हैं इनकी 6 गाड़ी, जहां तक मुझे जानकारी, 6 गाड़ी की जानता हूं, उसके ऊपर होगी नहीं जानता हूं, 6 गाड़ी हर घर पहुंचती है। उसके बाद तेल मसाला, इसके अलावा जो भी घटा बढ़ा है, इसके अलावा जो दहेज वाली बात है, दहेज तो देते नहीं, गिफ्ट दहेज नहीं देते भाई, गिफ्ट देते हैं, उसको उस घर में पहुंचाते हैं, लड़कियों की शादी में निश्चित मदद करते हैं। और गाड़ी इनका हर सीजन में, ये जाड़ा के सीजन शादी चला है, गर्मी शादी, जब से जीते हैं, आज की नहीं बात कर रहा हूँ, जब पहली बार जीते थे तब से आज तक इनका गाड़ी, 6 गाड़ी हम जानते हैं, उसके ऊपर होगी नहीं जानते। अच्छा, ये कुछ एरिया में ही मतलब ऐसा इनका प्रभाव है कि पूरे मल्हनी क्षेत्र में है? पूरा मल्हनी क्षेत्र में, बड़े भाई, मल्हनी क्षेत्र में, मल्हनी के बाहर भी लोगों की मदद करते हैं। पूरे जौनपुर यहाँ पर उनको, चाहे यादव हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अनुसूचित जात हो, पिछड़ी जात हो, चाहे जितने भी हो, सभी इनका इसीलिए सम्मान कर, यहाँ भेदभाव बिल्कुल ही नहीं, वो जात की राजनीति नहीं करते, वो जात की राजनीति करबे नहीं करते। उनके यहाँ चाहे जो भी जाए, चाहे हरजन जाए, सरोज जाए, सोनकर जाए, ठाकुर जाए, चौहान जाए, यादव जाए, चाहे जो भी जाए, सबको सम्मान करते हैं और सबकी मदद करते हैं। सादात बिंदुली बोला, अरे वो है अभी जो समीकरण है इस बार चुनाव का, विधानसभा का, आप देख रहे हैं 10 साल से, मतलब 5-2 पंचवर्षीय से धनेंद्र सिंह जीते नहीं, लगभग वोटों से रह जाता है, जिससे इस बार क्या माहौल है? इस बार तो कम से कम 30-35 हज़ार से जीतेंगे, कम से कम। भाजपा को सब लोग छोड़ दिए हैं, भाजपा के पास कोई वोट रह न गई है, सब पलट के इनके साथ आ गए हैं। तो केपी सिंह को वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे केपी सिंह 5 साल हुए थे, 5 साल संसद हुए थे, कभी किसी के दरवाजे या रोड पर नहीं दिखाई दिए, तो मान लीजिए विवाह शादी की बात ही छोड़िए। मतलब इस बार आप लोगों ने मूड बनाया है किसको वोट देने का? पूरा भरपूर एग्जाम, सभी वर्ग का वोट माननीय धनंजय सिंह को मिल रहा है, और हमेशा वो हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, और विकास के नाम पर कोई भी काम उनका अधूरा नहीं रह गया है। और केपी सिंह तो हमारे यहाँ कभी दिखे भी नहीं जब से जीत के गए हैं, और केपी सिंह के यहाँ कोई वोट नहीं है, जो भी वोट है सब धनंजय सिंह को जा रहा है, हर वर्ग के लोग दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि समाज में रहना, लोगों के यहाँ व्यवहार रखना, हर सुख दुख में खड़े रहते हैं, हर गरीब लोगों का वो हमेशा मदद करते हैं, ओनली फॉर धनंजय सिंह। 110% सच्चाई है,
धनंजय सिंह। आपको एक चीज और बता दूं मैं, धनंजय सिंह की एक खासियत है, अगर आप उनसे दो बार मिल लीजिए, दो बार वो आपको नाम से, अगर अगर 1000 आदमी बीच में रहेंगे तो आपको नाम से बुलाएंगे, फला सिंह फला आए हो कि नहीं, क्या क्या हाल चाल है, भाषण दे रहे हैं उसमें भी बोल देते हैं फलाने, अरे पीछे क्यों खड़े हो, आगे आओ। इतना बड़ा ब्रिलियंट आदमी कोई है ही नहीं, इतना याददाश्त बढ़िया, इतना ब्रिलियंट आदमी कोई मिला नहीं आज तक नेता। 5 IAS के बराबर उनके पास दिमाग है, ये मान उनसे बात आप कर लिए, मिल लिए, ये मान चलिए कि आपने 5 IAS देख लिया, ये उनसे बात। इतना योग्य नेता कोई हुआ नहीं था ना, इतना योग्य नेता कोई नहीं, इनको तो CM होना चाहिए था, पूरे प्रदेश का विकास होता। मलनी यादव बाहुल क्षेत्र है, तब भी 70,000 में पार्टी को पाते है, बिना पार्टी की निर्दल, और पार्टी वाले की जमाना जब तो हो जा रहा है ये भाजपा बसपा। अरे ये ना समझ में आवत कि और कुछ पार्टी